कितना बड़ा है ये पोस्ट ऑफिस, बहुत बड़ा है भाई पोस्ट ऑफिस ये तो। इतना बड़ा पोस्ट ऑफिस कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। और सब अरे बाप रे, हालत खराब हो गई हम लोग की तो। है रवि भाई, थोड़ी सी चढ़ाई थी वो चढ़ाई करके आए चले ऊपर। हालत खराब हो गई भाई। सीट है बैठने में होती ना तो और दिक्कत थी। और मुकुल पता है क्या कह रहे हैं गाइस, रुको मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाहता है। कह रहा है वो वाला पहाड़ चढ़ेगा वो, है मुकुल बर्फ दिखेगी हर बंदा चढ़ लेगा। अच्छा 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 रवि। अरे भाई बहुत ही मची है, बहुत हालत खराब हो गई। वहां से आए हम चलकर भाई, हम लोग लांजा घूम लिए और अब हम जा रहे हैं कॉमिक की ओर। और कुछ ही देर में अभी कॉमिक भी पहुंच जाएंगे और मस्त आप लोगों को वहां पे भी घुमा देंगे। और यार लांजा बहुत अच्छा जगह है, बहुत प्यारी जगह है, आपको एक बार बैक कैमरे से भी दिखा देता हूं। लांजा छोटा सा गांव है, लांजा छोटा सा गांव है एकदम, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। और सामने कुछ इस तरीके का व्यू दिख रहा है। हाँ ये सीधा जाएगा कॉमिक की ओर लेफ्ट से ऊपर, क्योंकि हाइट पे है ना वो। ये तो 14,300 फीट की एल्टीट्यूड पे था। हाँ ये देख कॉमिक लिखा रहा है ना, देख इस पे स्लेप पे बना होगा। तो भाई हम लोग आ चुके हैं टॉप वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज में, जिसका नाम है कॉमिक। ये पड़ता है आपका स्पीति में काजा, और ये आता है हिमाचल के अंडर। और आप लोग ये देखो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है 114 कैपिटा है। और यहाँ का तो भाई 4,587 मीटर, मतलब हो गया फीट में आपका 15,000 फीट की ऊंचाई पे है कॉमिक हमारा। और चलते हैं अब थोड़ा घूमते हैं मोनेस्ट्री यहाँ की जो पॉपुलर है, और आप लोगों को भी घुमाते हैं। फाइनली हम लोग कॉमिक पहुँच गए हैं, जैसा कि आपको मैंने पीछे बोर्ड में दिखाया था। और अब यहाँ पे हमने अपनी पार्किंग लगा ली है और यहाँ पे थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे मोनेस्ट्रीज हैं वो सारी, वो देखो एक आपको ऊपर पे वो दिख जाएगा, वहाँ पे भी मैं जाऊँगा आप लोगों को दिखाऊँगा। पहले यहाँ पे पूछ लेते हैं मोनेस्ट्री के अंदर जा सकते नहीं जा सकते। और ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट है, वर्ल्ड हाई। भाई मैंने अपने भाई लोगों से पूछा कि मेरे साथ चल रहे हो, वो छोटा सा ट्रैक कर लेते हैं ऊपर चलते हैं थोड़ा घूम के आ जाते हैं, तो ये लोग ने मना कर दिया तीनों ने। अब अकेला मैं जा रहा हूँ, चलो चलते हैं आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये लोग तो वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, चलो भाई चलते हैं। कॉमिक कुछ इस तरीके का लगता है, बढ़िया। तो भाई ये छोटी सी ट्रैक है, ये देखना यहाँ पर बर्फ कैसे जमी हुई है। तो ये छोटी सी ट्रैक है, चलो चलते हैं ऊपर। हाँ आ जाओ, वाह। तो भाई वो लोग तो बोरे, और ये रहा मैं। चलो भाई थोड़ा सा और बचा है, चलते हैं। तो फाइनली मैं आ गया हूँ भाई कॉमिक के। हाँ भाई 15,000 की एल्टीट्यूड है यहाँ पे, बहुत हाइट पे, बहुत ज़्यादा। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, रुको मैं बताता हूँ कैसे। देखो वो रे बोलो, वो तीनों वो रे। और देखो मैं सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे, बहुत अच्छा, बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। बस थोड़ी सांस फूल गई थी, अब जाके थोड़ा आराम है। और हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, बहुत तेज, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज। ये देखिए बैक कैमरे से, वो देखिए माउंटेन्स। नीचे चलते हैं, लांजा हो गया, कॉमिक हो गया, अब हिक्किम जा रहे हैं भाई वर्ल्ड टॉप हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे। भाई हमने वर्ल्ड टॉप पेट्रोल पंप देख लिया, वर्ल्ड टॉप रेस्टोरेंट विलेज देख लिया, और अब
वर्ल्ड टॉप पोस्ट ऑफिस देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है भाई स्पीति, बहुत अच्छी, जरूर आइएगा जरूर। भाई हमने कौमिक घूम लिया है, अब हम जा रहे हैं हिक्किम की ओर। ये चार नीचे गए, चलो भाई हिक्किम जाते हैं और वहाँ पे क्या नाम है पोस्ट ऑफिस है वर्ल्ड टॉप, वो घूम के आते हैं। चलो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग, ये लगा दी गाड़ी हमने यहाँ पर, और आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ बढ़िया से। ये लिखा हुआ है आई लव वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, ये रहा। वैसे तो पोस्ट ऑफिस तो नीचे है, बट ये एक साइन है यहाँ पर, साइड में गाड़ी लगा रखी है, और थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं पोस्ट ऑफिस के पास, और देखते हैं अगर चिट्ठी भेज सकते हैं तो कोशिश करेंगे यार ज़रूर भेजने की घर पर याद के लिए, बढ़िया रहेगा। चलो भाई फोटो शोटो खिंचा लेते हैं और रील बना लेते हैं। भाई सब कुछ आपको संजय दा व्लॉगर पे मिल जाएगा, मतलब इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, वहाँ पे भी मैं रील्स वील्स डालता रहता हूँ, फोटोज वो सब। भाई ये देखो हम लोग हिक्किम आए थे और यहाँ का वर्ल्ड टॉप हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। और भाई देखो यार यहाँ के बच्चे आराम से खेल रहे हैं भाई, मस्त। चलो भाई चलते हैं पोस्ट ऑफिस पे डायरेक्ट। अब वो देखो गाइस वो रहा पोस्ट ऑफिस, वो दिख रहा है, जूम इन करता हूँ, वो रहा उधर, वही जा रहे हैं अब डायरेक्ट। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हिक्की में, जो स्थित है पोस्ट ऑफिस वर्ल्ड का टॉप हाईएस्ट पे है ये, आपको मैं बताता हूँ यहाँ से, देखिए बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको बढ़िया से। भारतीय डाक विभाग विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शाखा डाक घर हिक्किम में आपका स्वागत है। वेलकम टू हिक्किम द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। ऊंचाई फुट में है 14,567 और हाइट इन मीटर है 4,440 मीटर का। और ये देखिए यार कितना बड़ा है ये पोस्ट ऑफिस, बहुत बड़ा है भाई पोस्ट ऑफिस ये तो। इतना बड़ा पोस्ट ऑफिस कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने, और सबसे हाइट पे भी है, मतलब वर्ल्ड में सबसे हाइट पे जो पोस्ट ऑफिस है वो इंडिया में है हिक्किम में, ये रहा। यार आप लोगों को यही चीज़ दिखानी थी, मज़ा आ गया भाई, बढ़िया है एक नंबर। चलो अब चलते हैं सीधा अपने रूम पे, फिर कल चलेंगे लोसार पे। आज तीन जगह घूमे हम लोग, पहला था लांगजा, फिर घूमा हमने कौमिक, फिर हम आए यहाँ हिक्किम में, मज़ा आ गया भाई। भाई यार घूम लिया हमने मस्त तीन जगह बढ़िया से एकदम। पहले तो हम गए थे क्या नाम है आपको जैसे मैंने बता रखा है तीन जगह गए थे, और लांगजा कौमिक और हिक्किम, ये तीन जगह हमने आज घूम ली बड़ी। तो इससे पहले हम लोग चीचम ब्रिज घूम के आए थे मस्त, और फिर उसके बाद रेस्ट किया था एक दिन का, और फिर अगले दिन तीन जगह घूमे हैं जो कि आज है, और बढ़िया मजा आ गया एकदम मस्त बढ़िया से। और अब वापिस जा रहे हैं अपने होटल में, और वहां पे जाके अपना बढ़िया वो करते हैं लंच। भाई भूख लगी है क्योंकि बहुत तेज वाली। चलो गाइस इसके ऊपर सरकेगा मुकुल, बहुत लंबी है ऊपर से नीचे, सोच रहा हूँ। सो गाइस यार देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार, वो देखो उधर कितना प्यारा सनसेट होने वाला है अभी थोड़ी देर में, अभी 5 बज गए हैं ना, मतलब 5:30 तक ना पहाड़ों पे हो जाता है आराम से सनसेट, है ना आशीष? इतना हो जाता है मतलब अभी जैसे ना यहाँ पे तो पहाड़ के जैसे दिख रहा है, हाँ। अगर जैसे पहाड़ के बीच छुप जाता है ना तो फिर नीचे अंधेरा हो जाता है, जैसे नीचे से गोरा अंधेरा है, हाँ। इधर धूप है, जल्दी नहीं होता वैसे तो। अभी देखना यार कितनी प्यारी रोशनी आएगी सीधा पूरा, अभी हम हाँ एकदम ऑरेंज। चलो गाइस चलते हैं रूम की ओर। अरे भाई भाई साहब पूरा चमक गए भाई, ले वैस की बहुत तगड़ा, कैसे हो जाते पिंपल। ओ भाई क्या प्यारी सनसेट आ रही है चेहरे पे। भाई यहाँ बहुत प्यारी लोकेशन मिली हमें, ये देखो भाई क्या प्यारी लोकेशन है, ये देखो भाई क्या ही रोड है, मजा आ रहा है, फील तो है। अब दे रहा है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चल भाई चलो बच्चों भाई चल दी चले भाई, मेरे को भूख लगी यार।
तो ये रही और दो बोरी और थोड़ा तंदूर में। यार बहुत तेज भूख लगी थी यार, बहुत देर से खाया नहीं था हम लोगों ने, और अब सीधा खा पी के आराम से बिस्तर पे चलेंगे और सो जाएंगे यार। बहुत तगड़ा रेस्ट चाहिए भाई हमें, सो जाएंगे। हाँ यार रेस्ट चाहिए यार, थक गए आज, तीन जगह गए भाई हम लोग घूमने। चलो अब चलते हैं, फिनिश करते हैं अपना खाना वाना, फिर मिलेंगे आपसे। गुड नाइट करके ही सोएंगे, मतलब गुड नाइट करके, क्योंकि डिनर भी करना है ना। तो भाई डिनर आ गया है, सारे भाई लोग डिनर कर ले रहे हैं, और डिनर के साथ आप लोगों को गुड नाइट कहते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे कल। चलिए गाइस, गुड नाइट।